वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज्जम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एज अ नर्स यूके में आना चाहते हैं, मेल हैं या फीमेल, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या कहीं से भी आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस सब के लिए सेम है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास डिप्लोमा है या आपने BSN किया हुआ है, बोथ आर एक्सेप्टेबल इन दिस कंट्री, तो आप दोनों की बेस के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने NMC की वेबसाइट के ऊपर जाना है। NMC स्टैंड फॉर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर PNC है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जैसा कि आप जब डिप्लोमा करते हैं 3 साल का या आपने BSN किया हुआ है, उसके बाद आपने PNC से आप लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आप जॉब अप्लाई करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो सेम जो है यहाँ पर NMC एक अथॉरिटी है जिससे आप जिसके साथ आप रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपको लाइसेंस देती है, उसके बिहाफ पे आप जो है फिर जॉब अप्लाई करते हैं यूके में किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे जो मेन चीज़ है इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अंदर OET है या आप IELTS दे सकते हैं। बहुत से लोगों को IELTS देने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसमें स्कोर पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं होता, समटाइम अननोन टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे रीडिंग में, राइटिंग के अंदर। तो ज़्यादातर लोग जो है ना OET की तरफ जाते हैं। OET स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट। ये इसमें जो टॉपिक्स होते हैं ये मेडिकल बैकग्राउंड के रिलेटेड होते हैं, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, तो आप जो है इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। OET में आपको B लेवल चाहिए होता है और IELTS के अंदर आपको राइटिंग के अंदर 6.5 बैंड और बाकी जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर 7-7 आपको ईच चाहिए होता है, और ओवरऑल 7 बैंड आपको रिक्वायर्ड होता है। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप जो है इंग्लिश कोर्स जो है ये स्टार्ट होने से पहले आप जो है ये IELTS या OET कर लें, उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। आपने जाना है NMC की वेबसाइट के ऊपर, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में जाइएगा, वहाँ पर फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, पासपोर्ट डिटेल देनी है, उसके बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन डिमांड करेगा। वहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन देनी है, जो आपका डिप्लोमा है या आपने BSN किया हुआ है, फिलअप करनी है अपनी सारी डिटेल्स, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसका वहाँ पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। जिस बॉडी ने आपको लाइसेंस दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो PNC ने आपको लाइसेंस दिया होगा, आपने उनकी डिटेल वहाँ पे फिलअप करनी होगी। £140 इसकी फीस है और वो फीस जो है आपने वहाँ पे करनी होगी ऑनलाइन ही। फिर जो NMC है ये कॉन्टैक्ट करेगी आपकी PNC के साथ, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ NMC कॉन्टैक्ट करेगी और ये उससे वेरीफाई करेगी कि आपकी डिटेल जो दी हुई है, क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स, ये सारी मैच करती हैं और एक्यूरेट हैं। जब NMC वेरीफिकेशन के लिए PNC के साथ कॉन्टैक्ट करेगी तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने PNC खुद कॉन्टैक्ट करना है और उनको ये चीज़ कन्वे करनी है कि NMC की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए मेल आई हुई है, आप उसको रिस्पॉन्ड करें, तो वो डेफिनेटली जो है ना उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर देंगे और आपका काम ज़रा स्पीड अप हो जाएगा। अगर आप PNC के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो वो काफ़ी टाइम भी ले सकते हैं रिस्पॉन्ड देने में NMC को। जब PNC रिस्पॉन्ड दे देती है NMC को, NMC के अंदर जो आपने अकाउंट बनाया होता है और वहाँ पे जो डिटेल्स इनिशियली जो आपने फिलअप की होती हैं वेरिफिकेशन के लिए, वहीं पे ये आपको स्टेटस शो होने लग जाता है कि आपका इनिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपने CBT टेस्ट देना है। CBT इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एक टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस है जो कि आपको देना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट जो है ये थ्योरी का होता है, सेकेंड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल होता है जिसको OSCE भी बोलते हैं, लेकिन OSCE जिससे जो कि यहाँ UK में आकर आपको देना होता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपने अपने बैक होम कंट्री से दे के आना होता है। तो आपने CBT टेस्ट पास करना होता है। CBT टेस्ट होता क्या है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आपने पास करना होता है। ये टेस्ट आपने कहाँ से बुक करना है, एक पीयरसन जो है प्रोवाइडर है, आप उसके थ्रू बुकिंग कर लेंगे और आपने टेस्ट पास करना है। जब आपका CBT टेस्ट पास हो जाता है तो साथ आपको IELTS को रिक्वायरमेंट होती है, तो IELTS या OET की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने डेफिनेटली वो पहले आप कर चुके होंगे, तो आपने वहां पर जस्ट आपने अपलोड कर देना है। इस स्टेज के ऊपर आप एज अ प्री रजिस्टर्ड नर्स कहलाते हैं, जब आप CBT टेस्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया या जहाँ पे भी। प्री रजिस्टर्ड नर्स का स्टेटस जब आपको मिलता है तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए UK में। अब दो रूट्स हैं यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए, एक NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज,
जो कि हर बंदा इस नाम से फेमिलियर है, और दूसरी साइड पे है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक एक साइड पे आता है प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरी साइड पे आता है नर्सिंग केयर होम। एनएचएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इन प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक जो है आप डायरेक्ट एनएचएस के वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है नर्सेज की, तो आपने उन ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है। और ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू होगा और की रिक्रूटमेंट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। ट्रैक जॉब एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक और वेबसाइट है इंडीड, इंडीड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर यूके में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स उसके ऊपर आती हैं, तो आप उसके ऊपर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी साइट पर आता है एजेंसीज, आप एजेंसीज के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको श्योर नहीं हो रहा कि कौन सी एजेंसी ठीक है, एजेंसी स्कैमर ना हो या कोई एजेंसी आपको सही गाइड ना करे, तो आप डेफिनेटली आप अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने किस एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था। एक रेफरेंस बेस के ऊपर जो है किसी भी एजेंसी को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी गूगल पे जाकर बहुत सारी एजेंसीज, वहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। जो भी एजेंसी आपसे कुछ डिमांड करे, मतलब कि आपसे कहे कि इस चीज़ की फीस दें या उस चीज़ की फीस दें, तो वो डेफिनेटली वो स्कैमर हो सकते हैं क्योंकि एजेंसी आपसे एक पैनी भी चार्ज नहीं कर सकती। एजेंसी को जो भी एजेंसी ने जो कुछ भी चार्ज करना होता है वो हॉस्पिटल से चार्ज करती है। जिस भी ट्रस्ट के अंदर आपको आपको वो जॉब लेके दे रही है, उस ट्रस्ट के साथ जो है ना उसका लिंक होता है, उनके आपस में कमिटमेंट होती है, वो ट्रस्ट उस जो है एजेंसी को पे करती है, आपको एक पैनी भी पे करने की जरूरत नहीं होती। तो जब आपकी जॉब हो जाती है यहाँ पर, उसके बाद वो कंपनी जो है एजेंसी, या अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वो ट्रस्ट जो है, वो हॉस्पिटल जो है, वो आपको कॉस इशू करेगा। कॉस इज स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसकी बेस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो वीज़े के लिए आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको कॉस चाहिए होगा, ये आपने डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। और उसके बाद जो है, और दूसरी चीज़ है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन जो पाकिस्तान की है, या आप जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, वहाँ से आपने ज़रूर जो है प्रोटेक्टोरेट की स्टैंप आपने ज़रूर लगवानी है। आप जब इस कंट्री के अंदर लैंड हो जाते हैं, यूके में आ जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा विद इन 3 मंथ, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। जैसा कि आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें पूछेंगे, वो उसको कहते हैं ओस्की एग्ज़ाम। ओस्की एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर यूके में आकर आपको देना होगा। उस एग्ज़ाम के पास करने के बाद आपका स्टेटस हो जाएगा रजिस्टर्ड नर्स का, जैसे कि एक फुल स्टेटस जैसे होता है। आपको एक लाइसेंस इशू किया जाएगा इस एग्ज़ाम के पास करने के बाद। वो एक पिन नंबर होता है, एक्चुअली वो पिन ही आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है और आपका लाइसेंस नंबर होता है। आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, किसी भी ट्रस्ट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको वो पिन देना होगा और आपका वो सारा स्टेटस जो है वो एक्सेस कर लेंगे। तो ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको एनएमसी के ऊपर ऑनलाइन अकाउंट बनाना नहीं आता, या आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करनी है, और या अगर आपको किसी किस्म की इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपको वीडियो बना के इसके ऊपर डिटेल के साथ बता सकता हूँ कि आपने कैसे कैसे इसका प्रोसेस करना है और कैसे अकाउंट बनाना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट इस कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस उनके लिए बनाता हूं जो कि कहीं ना कहीं आपको जरूर जो है वो हेल्प कर सकती हैं। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।